नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अस्थमा यानी दमा के बारे में बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा या दमा एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली, रिस्पायरेटरी ट्रैक में मतलब जो सांस नली में लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। और इसमें इंफ्लामेशन होता है, मतलब इन्फेक्शन और इंफ्लामेशन वहाँ पर होता है, सूजन आ जाती है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, पूरे जो सांस नली है, जो आपका ट्रैकिया है, फिर उसके बाद एक ब्रोंकाई होता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद एक कैपिलरीज होती हैं। तो पूरे उस रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण वहाँ पर वीजिंग साउंड महसूस होती है। मतलब जैसे आप सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में एक सीटी जैसी आवाज़ महसूस होती है, और उस कंडीशन को हम अस्थमा या दमा बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको इसके क्यों होता है इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बारे फिर इसमें क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं कि अस्थमा है, मतलब डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद अगर इसके आगे आने वाले समय में इस तो अगर आपको लंबे समय तक है अस्थमा तो आपको क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं कि कारण क्या है इसके, अस्थमा होता क्यों है। तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक। अगर आपके मम्मी पापा को अस्थमा, राइनेटिस या फिर एलर्जी है, तो आपको अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब माँ को या पापा को अस्थमा है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर उनके घर में भी जैसे बप्पा, दादी, नाना, नानी, मामा, 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 मामी, अगर उनको अस्थमा है, उनको राइनेटिस वगैरह की प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम उनको रहती है, या एक्जिमा वगैरह भी है उनको, तो उसके कारण आपको अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, या आपको अस्थमा है तो आपको आपके बेटे को भी अस्थमा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मोस्टली जेनेटिक या अनुवांशिक होता है। तो पहला कारण है अनुवांशिक, और दूसरा कारण है इन्वायरमेंटल, मतलब एटमॉस्फेयर, आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, क्या क्या किस किस कारण से ये अस्थमा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला है स्मोकिंग, अगर आप ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं तो अस्थमा बढ़ जाता है। दूसरा है एयर पोल्यूशन, अगर आप ज़्यादा फैक्ट्री, जैसे यहाँ पर कोल माइंस है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ पर अस्थमा के केसेस मेरे क्लिनिक में बहुत आते हैं, और अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, दमा की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। तो मतलब जहाँ पर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो वहाँ पर दमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा कॉज है, एटमॉस्फेरिक कॉज में आता है, इन्वायरमेंटल कॉज में ये आता है। दूसरा है क्या कहते हैं आपका स्मोकिंग, और स्मोकिंग के बाद तीसरा है प्रेगनेंसी। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान में किसी किसी केस में अस्थमा हो जाता है, लेकिन उन लोगों को ही अस्थमा होता है जिनके माँ बाप को भी अस्थमा हुआ होता है या एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। और बस ये तीन चार चीज़ हैं एनवायरमेंटल में। अब चलते हैं हाइजेनिक में, मतलब ऐसे अगर आपके घर में हाइजेनिक मेंटेन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं रहती, और अगर बच्चों को बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया से उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी बुखार ये बार बार होती है, और दसों साल से उसको सर्दी खांसी बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आगे चल के उसको अस्थमा होने के चांसेस बहुत होती हैं। स्टडीज़ में ये पता किया गया है कि अगर बच्चों को ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उनको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि इम्यून पावर उनकी कम हो जाती है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा चलती हैं और इसके कारण इम्यून पावर उनकी रोग क्षमता कम हो जाती है, बाद में अस्थमा हो जाता है। ठीक है, बस यही कंडीशन होती है। और कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जैसे एक्जिमा अगर आपको है और एक्जिमा ठीक हो गया है, आपने दवा दिया है या दवा से उसको दबा रहे हैं बार बार एलोपैथिक मेडिसिन से, तो आपको बाद में अस्थमा हो जाएगा, या हे फीवर बोलते हैं उसको अगर आपने दवा दिया है तो बाद में अस्थमा हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके कॉज। अब चलते हैं कि क्या होगा आपको अगर अस्थमा है तो आपको, तो अगर अस्थमा है आपको तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रोंकस जो हैं वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़न के कारण पूरे ट्रैकिया और ब्रोंकाई और उसके बाद आपका कैपिलरी, पूरा जो आपका सांस नली जो आपको बोलते हैं, सांस का पूरा सिस्टम जो होता है लंग्स से लेकर पूरा नाक तक, वहाँ पर सिकुड़न आ जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ जाएंगे तो आप जब सांस लेंगे तो जैसे आप बांसुरी बजाते हैं
वहां पर आप जैसे दबा देते हैं तो बिल्कुल जो हवा है वो बिल्कुल सिकुड़न से जाती है, और एक आवाज आती है सीटी जैसी, वीजिंग साउंड जिसको बोलते हैं वो होता है। तो अगर सिकुड़न आती है तो फिर आपको वीजिंग साउंड महसूस होगी, मतलब सीटी ऐसी आवाज आएगी। और जब सिकुड़न आ जाएगी कहीं पर भी तो आपको सांस लेने और सांस छोड़ने में दिक्कत होगी, और खासकर सांस छोड़ने में दिक्कत होगी। तो इसमें सांस लेने ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, मतलब आप डीप ब्रीदिंग लेंगे ऐसे करके, और उसके बाद आपको डीप लेना पड़ेगा, सांस लेने और सांस छोड़ने में दिक्कत होगी। और एक दिक्कत होती है बार बार कफ आना, तो बार बार आपको थोड़ा थोड़ा कफ आएगा, व्हाइट कलर का कफ, और किसी किसी कंडीशन में अगर वहाँ पर पस हो तो फिर येलो कलर का कफ आता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब चलते हैं कि डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे जानेगा कि आपको अस्थमा है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपको आला लगाएगा और वहाँ पर सीटी जैसी आवाज़, वीजिंग साउंड महसूस होगी। तो अगर आपको सीटी जैसी आवाज़ आती है तो वो 82-85% केसेस में अस्थमा होता है। किसी किसी केसेस में ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस में भी वीजिंग साउंड आता है, लेकिन मोस्टली 80-85 केसेस में अस्थमा ही होता है। तो वीजिंग साउंड सबसे बड़ा डायग्नोसिस फैक्टर है अस्थमा का, साथ में एक्सरे वगैरह। सबसे ज़्यादा वीजिंग साउंड और सांस लेने में दिक्कत, हाँफी आना, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मोस्टली सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग साउंड और कफ, ये तीन है अस्थमा के सिम्टम्स, और यही तीन डायग्नोसिस में भी काम आते हैं। अब चलते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक अस्थमा होगा तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक कंडीशन होता है स्टेटस अस्थमेटिकस, जिसको इंग्लिश में स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको लंबे समय तक अस्थमा है तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और आप बार बार सांस लेना, बार बार अस्थमा का अटैक आना चालू हो जाता है, और आपको वीजिंग एकदम से पूरी रात भर अटैक आता है। और इस कंडीशन में कभी कभी डेथ भी हो जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन तो नॉर्मल है, मतलब आपको हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत कम होता है, जो भी अस्थमा पेशेंट है लगभग लगभग 90% केसेज में तो नहीं होता, 10% केसेज में होता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है अगर तुरंत इनहेलर वगैरह ले लें तो, या अगर इनहेलर साथ में रखें या हॉस्पिटल पहुंच जाए तो। ये एक कंडीशन होती है अस्थमा स्टेटस अस्थमेटिकस। तो ये एक इसका एक आप बोल लें कि ये एक लास्ट स्टेज है स्टेटस अस्थमेटिकस अस्थमा की। तो दोस्तों बस अस्थमा इतना ही था। आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली मैं एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ अस्थमा के लिए। तो ये है R43, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप थोड़ा सा देख लें पास से, अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है R43। और इसको मैं थोड़ा सा घुमा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो R43 बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दवा डली हुई है, फिर इसको लेना कैसे है, और फिर मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, तो मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसी आती है, और मैं थोड़ा सा खोलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये 22 ml फाइल में आती है, ये 22 ml की फाइल है, और इसमें ये R43 मिलती है, और ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डॉक्टर रेकबैक जर्मनी की ये मेडिसिन है। अब इसकी कॉम्पोजिशन पे चलते हैं, इसमें क्या क्या दवा डली हुई है और उसका क्या क्या असर है इस दवा में, क्या क्या काम करती है दवा। तो चलिए पहले देखते हैं आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम अगर आपको ज़्यादा प्यास लगे, बार बार प्यास लगे, थोड़ा सा जलन हो, और उसके साथ अस्थमा हो, और अस्थमा में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, पहली दवा आर्सेनिक एल्बम डली हुई है। दूसरी दवा है बेलाडोना। तो अगर कंजेशन हो जाए, मतलब लंग्स में अगर कंस्ट्रक्शन और कफ ज़्यादा बने और कंजेशन हो जाए, और आपको वहाँ पर थोड़ा सा सूजन भी आ जाए, तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रायोनिया, अगर आपको प्यास लगे और मुंह सूखे, और साथ में वीजिंग साउंड, मतलब वीजिंग वही सीटी जैसी आवाज़ अस्थमा में जो आती है वो अगर आपको सुनाई दे, तो ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कार्बोवेज, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो और सांस लेने में आपको थकान महसूस होने लगे, तो कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर रात में आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है कालीफॉस। तो कालीफॉस एक तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली थक जाए और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए अस्थमा के लिए, और ये अस्थमा की स्पेसिफिक मेडिसिन है कालीफॉस, और कालीफॉस देना चाहिए अस्थमा के केस में। कालीफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ अगर आपको पीला कलर का कफ आया अस्थमा में, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये भी आपको R43 में डली हुई है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम सल्फ।
और एक मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। तो वेरेट्रम एल्बम अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा निकलता हो अस्थमा में, तो वेरेट्रम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है वर्बा सटाइवा। तो वर्बा सटाइवा और सेनेटा, वर्बा सेनेटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा की। और ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसमें पूरे अस्थमा के सिम्टम्स मिलते हैं, मतलब वीजिंग भी आती है और उसके साथ साथ पूरे लक्षण अस्थमा के मिलते हैं, जैसे सीटी जैसी आवाज़ आना, सांस लेने में दिक्कत होना और कफ आना। तो ये पूरे से लक्षण इसमें मिलते हैं। तो ये सब मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं। अब चलते हैं इसको लेना कैसे है, R43 को। तो सबसे पहले तो इसको खोलना है और उसके बाद एक चम्मच पानी में, सिर्फ एक चम्मच पानी में 10 से 15 बूंद डाल के सुबह और शाम को लेना है। लगभग लगभग 6 महीने तक लेना है, इससे अस्थमा लगभग क्योर ही हो जाएगा आपका। तो इसके अलावा मैं कुछ मेडिसिन और बताऊंगा और वो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा नेक्स्ट डे एक वीडियो आएगा अस्थमा Part 2 करके, और वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और अस्थमा के केस में आपको किसी भी तरह का कर्ड और कर्ड का प्रोडक्ट, मतलब दही, माठा, खट्टा, भाटे की सब्जी, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अस्थमा के केस में बहुत ज़्यादा परहेज रखना पड़ता है, खासकर खट्टे में बहुत ज़्यादा परहेज रखना पड़ता है। फ्रिज के आइटम बिल्कुल नहीं खाना है, फ्रिज वगैरह से आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, नॉर्मल आप मटके वगैरह से पानी पी सकते हैं। तो थोड़ा सा परहेज रखिए। और चावल रात में बिल्कुल मत खाइए, चावल से थोड़ा कफ बनता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। अस्थमा में परहेज करना बहुत ज़रूरी है। साथ में R43 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो R43 10 ड्रॉप सुबह शाम लीजिए खाली पेट, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 6 महीने तक लेना है इसको। और इसकी MRP अब मैं बता देता हूँ आपको, तो 200 रुपीज़ की आती है, 200 रुपये की, आप देख पा रहे होंगे 200 रुपये की MRP आती है। सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप होम्योपैथिक शॉप से ही लें, और होम्योपैथिक शॉप से लेने का ये फ़ायदा होगा कि आप बार बार जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन एक बार मंगा लेंगे। ये दवा काफ़ी दिनों तक चलनी है, मतलब लगभग लगभग आपको 12 फाइल ये लग जाएगी। 15 दिन की एक फाइल होती है और ये 12 फाइल आपको यूज़ हो जाएगी। तो 12 फाइल आप ऑनलाइन इकट्ठा तो आप मंगाओगे नहीं, और इकट्ठा मंगाओगे तो वो दिक्कत भी करेगा, मतलब एक्सपायरी वगैरह होने के 5 साल इसकी एक्सपायरी रहती है वैसे, तो एक्सपायरी तो नहीं होगा लेकिन एक्सपायरी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप चाहो तो सीधा आप जाके शॉप से, होम्योपैथिक शॉप से आप ले सकते हो। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे दिया गया लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक के बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है तो एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। अगर पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं डेली लाता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड, और बाकी लाइव क्लिनिक भी आती है मेरी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो वो भी आप देख सकते हैं और लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं मेरे से और लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कल फिर एक अस्थमा का वीडियो आने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें और भी अच्छी मेडिसिन आपके लिए अस्थमा के लिए ला के दूंगा मैं, तो आप उन मेडिसिन को इस मेडिसिन के साथ लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव आपको अस्थमा में रिलीज रिजल्ट मिल जाएगा। आपका अस्थमा 6 महीने के अंदर पूरा पूरा क्योर हो जाएगा दोस्तों। तो कल का वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।